हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको नहीं पता है कि इग्नू में सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है और इसमें क्या होता है, और आपके एग्ज़ाम ईयरली वाइज होते हैं या फिर सेमेस्टर वाइज होते हैं, आपको अपने एग्ज़ाम ईयरली मोड में देने हैं या सेमेस्टर मोड में देने हैं, आपको अपने एग्ज़ाम कब देने हैं, और आप अपने एग्ज़ाम 6 मंथ बाद देंगे या ईयरली देंगे, आपको एग्ज़ाम कैसे देने, तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा से यही डाउट रहा है कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर ईयरली वाइज होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी भी एडमिशन लिया हो, इग्नू 2 बार साल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एक जून में और एक दिसंबर में। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में, तो उनका जो एग्ज़ाम होता है वो नेक्स्ट ईयर, अगर उनका कोई भी प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है तो उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होगा। और यदि आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो 1 साल बाद यानी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। और यदि आपका कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके जून में एग्ज़ाम होंगे, और यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। तो ऐसे आप सेमेस्टर वाइज और ईयरली वाइज अपने एग्ज़ाम देते हैं। अब अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो सेमेस्टर वाइज है और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो ईयरली वाइज है, तो दोस्तों, इग्नू में लगभग सभी प्रोग्राम, चाहे वो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम हो, मास्टर डिग्री का प्रोग्राम हो, या फिर डिप्लोमा हो या पीजी डिप्लोमा हो, लगभग सारे प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम होता है वो ईयरली बेस्ड होता है, और इग्नू में कुछ ही एक प्रोग्राम है जिनका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ईयरली बेस्ड प्रोग्राम की, तो अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि आप BAG, BCOM जी, BSc जी या BSW, BTS या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट कर रहे हैं आप, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हिस्ट्री से, तो आप किसी से भी हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके बाद साइकोलॉजी ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स, कोई सा भी बैचलर डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ईयरली बेस्ड होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे हमारी स्लिप पे कुछ ऐसा शो होता है, इसमें लिखा होता है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। हमारे आधे सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के लिखे होते हैं और आधे सेमेस्टर 2 के लिखे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट रहता है कि अगर सेमेस्टर 1 लिखा है तो हमारा सेमेस्टर 1 का अलग एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि आपका CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है इग्नू में, जो कि आपका 2019 के बाद लागू हो गया था, जिसके तहत आपको अब जितने भी इग्नू में प्रोग्राम है उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं क्रेडिट बेस पे, या फिर आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं सेमेस्टर बेस पे। सिर्फ आपको वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको इस सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट, इस सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट, सिर्फ चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, पर आपके एग्ज़ाम ईयरली बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी स्लिप में लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 का है और ये सेमेस्टर 2 का है। तो अब बच्चे यही सोचते हैं कि ये हमारा सेमेस्टर 1 है, ये सेमेस्टर 2 है। आपकी जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं
वो सारे जब आप एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एक साथ ऐड हो जाते हैं। नू यही कहता है कि साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक दिसंबर में और एक जुलाई में, पर सेमेस्टर वन और टू के बोथ एक साथ एग्जाम लेता है, दोनों एक साथ एग्जाम लिए जाते हैं, सेमेस्टर और वन दोनों एक साथ एग्जाम लिए जाते हैं, सेमेस्टर वन और टू के मिलाकर। तो आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, कब होंगे। आपको अगर सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू दिया हुआ है किसी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में, तो आपके एग्जाम ईयरली बेस्ड होंगे। और यदि आपका प्रोग्राम कोई बीसीए है, एमसीए है, या कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सेमेस्टर बेस्ड है, जैसे बीसीए एमसीए या फिर कोई सेमेस्टर बेस्ड सर्टिफिकेट जो है आपका, तो उसमें आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, क्योंकि वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, वो 6-6 महीने में आपका एक सेमेस्टर होता है, तो 6-6 महीने में आपके उसके एग्जाम होते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें आपको सिर्फ सेमेस्टर का ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी आपके एग्जाम ईयरली बेस्ड होंगे। जैसे कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स ने जुलाई में एडमिशन लिया था, तो जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम कब होंगे, आपके एग्जाम होंगे जून में, आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है इसलिए। और यदि आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था और आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड था जैसे बीसीए या एमसीए, तो आपके एग्जाम दिसंबर में होने थे। और यदि आपने अभी जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था और आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, तो आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे। और यदि आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है, यानी कि बीसीए या एमसीए या सेमेस्टर बेस्ड कोई भी सर्टिफिकेट है, और आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया, तो आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम जून में होगा। और यदि आप अभी जो नया सेशन आएगा जुलाई का, जुलाई 2021 का, इसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो आपके नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम होंगे। और अगर आपका कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम कब होंगे, दिसंबर में होंगे। इसलिए आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपने अगर जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे एक साल बाद, अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। और आपने कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम लिया है जैसे बीसीए या एमसीए, और आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम जून में होंगे। और यदि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम जून में होंगे, अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है। और यदि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है और आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है, तो आपके एग्जाम जो हैं कब होंगे, दिसंबर में होंगे। तो ये था कि आपके एग्जाम कैसे कैसे होंगे, आप कैसे अपने एग्जाम देंगे, ईयरली बेस्ड या सेमेस्टर बेस्ड। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम सेमेस्टर बेस्ड होगा या ईयरली बेस्ड होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।